आगामी तेंदुपत्ता सीजन के मद्देनजर वन विभाग द्वारा लगातार तेंदुपत्ता शाख कर्तन एवं संग्रहण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में धर्मजयगढ़ वन विभाग द्वारा लगातार तेंदुपत्ता के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस सिलसिले में 25 फरवरी को वन मंडल के कापू रेंज में बाकारुमा व कापू रेंज की संयुक्त कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें अच्छी गुणवत्ता के तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए सही तरीके से शाख कर्तन करने का महत्व और शाख कर्तन की सही विधियों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान धर्मजयगढ़ डीएफओ अभिषेक जुगावत, कापू ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सत्यदेव गुप्ता, अन्य जनप्रतिनिधियों सहित वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों व बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। इस दौरान अपने संबोधन में डीएफओ ने कहा कि तेंदुपत्ता अपनी विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है, इससे निर्मित बीड़ी की मांग विदेशों में बनी रहती है। उन्होंने कहा कि तेंदुपत्ता तुड़ाई में लाखों मजदूर काम करते हैं और इसके एवज में उन्हें मजदूरी के साथ लाभांश भी दिया जाता है। उन्होंने बताया कि तेंदुपत्ता संग्रहण से करीब 45 दिन पूर्व शाख कर्तन किया जाता है, जिसके बाद नए पत्ते निकलते हैं। पहले ये पत्ते लाल होते हैं और बाद में फिर हरे रूप में आ जाते हैं। जब पत्ता परिपक्व हो जाता है तब उसकी तुड़ाई की जाती है। उन्होंने कहा कि अच्छी क्वालिटी के तेंदुपत्ता उत्पादन के लिए वन विभाग द्वारा लगातार कवायद की जा रही है। कार्यक्रम के अंत में इस आयोजन में शामिल सभी का आभार व्यक्त किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, धर्मजयगढ़।